नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस को दुनिया के सबसे मशहूर और टूरिस्टों के लिए प्रसिद्ध एक शहर माना जाता है, जिसको 2014 में दुनिया का सबसे आकर्षणीय शहर घोषित करा गया था। तो आज मैं बताने वाला हूँ पेरिस के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जो आपको काफ़ी हैरान कर सकती है। दोस्तों, दुनिया भर में पेरिस नाम का शहर लगभग 38 से भी अधिक है, लेकिन इस पूरे दुनिया के लोग सिर्फ एक ही पेरिस को पहचानते हैं, जो कि फ्रांस का राजधानी है। पेरिस किसी एक ज़माने में रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और तब पेरिस को लुसेसिया नाम से जाना जाता था। पेरिस दुनिया का पहला वो शहर है जहाँ के रास्तों में स्ट्रीट लाइट बिठाया गया था, और यही कारण है कि पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। हर साल दुनिया के हर कोने से लाखों लोग पेरिस आईफिल टावर को देखने जाते हैं, जिसे कि प्रेम का एक प्रतीक माना जाता है। पेरिस में मशहूर आईफिल टावर 1887 में बनाया गया था और लगभग 1930 तक यह दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत था। आईफिल टावर के बारे में ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि जब ये बनाया गया तब कुछ ही दिनों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको परमानेंट तरीके से रख दिया गया। फ्रांस के संविधान के अनुसार आईफिल टावर के ऊपर या फिर आसपास के इलाके में पटाखा फोड़ना गैरकानूनी है। लगभग 2.5 करोड़ से भी अधिक टूरिस्ट हर साल पेरिस घूमने जाते हैं, लेकिन पेरिस के ज़्यादातर लोग इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ही कम पसंद करते हैं। पेरिस के ज़्यादातर लोग कुत्ते काफ़ी पसंद करते हैं, और यहाँ पे कुत्तों को इतना पसंद करा जाता है कि यहाँ पे कुत्तों की संख्या यहाँ के कुल आबादी से भी काफ़ी अधिक है। एक बात काफ़ी हैरान करने वाली है कि पेरिस इतना विकसित होने के बावजूद आज भी यहाँ के मेट्रो रेल में दरवाज़ा अपने हाथों से खोलना और बंद करना होता है। पेरिस में स्थित नोत्रे डैम दुनिया की एकमात्र ऐसी इमारत है जिसे बनाने में लगभग 200 साल से भी अधिक लगा था, जो कि रोमन साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। पेरिस में स्थित सबसे पुराने ब्रिज को यहाँ के लोग न्यू ब्रिज यानी नया ब्रिज नाम से बुलाते हैं, जो कि सुनने में काफ़ी रोमांचक लगता है। आईफिल टावर का एक सच लोगों को काफ़ी हैरान करता है कि आज तक के इतिहास में जितने भी लोग आईफिल टावर के ऊपर से जंप लगाया है, एक भी आज तक नहीं मरा है, जबकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी भी इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन था। आईफिल टावर के अलावा पेरिस में स्थित डिज्नीलैंड पूरे दुनिया में काफ़ी मशहूर है, जहाँ हर साल लगभग 1 करोड़ से भी अधिक टूरिस्ट घूमने जाते हैं। पेरिस अपने फैशन डिज़ाइन के लिए सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जाना जाता है। पेरिस मेट्रो सिस्टम को दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम माना जाता है, जहां पे स्टेशनों की संख्या लगभग 300 से भी अधिक है। छोटे बड़े पार्क को मिलाकर पेरिस में कुल 450 पार्क शहर के चारों तरफ मौजूद है, जो कि लगभग 1200 एकड़ जगह में फैला है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें।